दोस्तों, नसीम शाह ने एक बार फिर अपनी शानदार और जानदार बल्लेबाजी से शायकीन क्रिकेट को खुश कर दिया है। और दोस्तों, अब तो नसीम शाह का अफगानिस्तान के खिलाफ लास्ट ओवर खेलना ट्रेडमार्क बन गया है। फिर चाहे वो एशिया कप टूर्नामेंट हो या ओडीआई सीरीज, नसीम शाह लास्ट ओवर में आते हैं और छा जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ सेकेंड ओडीआई में, जहाँ नसीम शाह ने लास्ट ओवर में फारूकी की बॉलिंग का भरकस निकाल दिया। और दोस्तों, अब तो ऐसा लगने लगा है कि फारूकी वर्सेज नसीम शाह भी एक राइवलरी बन गए हैं। अब दोस्तों, आप इसे फारूकी का बैड लक कहें या नसीम शाह का गुड लक, कि दोनों लास्ट ओवर में आमने सामने आ ही जाते हैं। और दोस्तों, इस पर सोने पर सुहागा ये कि अफगानिस्तान भी नसीम शाह को गुस्सा दिलाने का कोई ना कोई मौका फराहम कर ही देता है। फिर चाहे वो एशिया कप में आसिफ अली का आउट हो या दूसरे ओडीआई में शादाब खान का मुतनाज़ा रन आउट। खैर दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेले गए दूसरे वनडे मैच की। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि एक अच्छा मैच कैसा होता है और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए जो इसे यादगार बना दें, तो दोस्तों आप कहेंगे कि इसमें सेंचुरीज होनी चाहिए, इसमें 50s होनी चाहिए, इसमें रनआउट होने चाहिए, कंट्रोवर्सी होनी चाहिए और लास्ट ओवर का ड्रामा और थ्रिल तो होना ही चाहिए। और दोस्तों, ये तमाम लवाजमात सेकेंड ओडीआई में हमें देखने में मिले, जहाँ सेंचुरीज भी बनी तो वहीं 50s भी देखने में आई, जहाँ कंट्रोवर्सी और रनआउट भी देखने में आया तो वहीं लास्ट ओवर का ड्रामा भी कौन भूल सकता है। खैर दोस्तों, बात करते हैं अफगानिस्तान की पहले इनिंग की। तो दोस्तों, अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर किया था पहले बल्लेबाजी का इंतखाब, जिसमें अफगानिस्तानी बल्लेबाजों ने क्या ही ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की खतरनाक बॉलिंग का सामना करते हुए 300 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर बनाए, जिसमें बिलाशुबा रहमानुल्लाह गुरबाज के 151 रन और इब्राहिम जदान ने भी 80 रन बनाए थे। तो वहीं दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट्स, तो वहीं नसीम शाह और उसामा मीर ने एक एक विकेट हासिल की थी। खैर दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान की इनिंग की। दूसरी इनिंग में 301 रन का पहाड़ चेस करना था और दोस्तों, जब हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बल्लेबाज क्रीज पर आए तो बिलाशुबा पाकिस्तानी ओपनर्स ने ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। पहले विकेट पर 50 और दूसरे विकेट पर 100 रन की पार्टनरशिप भी देखने में आई और पाकिस्तान स्मूथ तरीके से विक्ट्री की जानब बढ़ रहा था, जिसमें दोस्तों इमामुल हक के 91 रन, तो वहीं बाबर आजम ने स्कोर की थी 50 रन। मगर दोस्तों, जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर भी उन्हीं के साथ आउट हो गया। लियक के बाद दिगरे पाकिस्तान के विकेट उसमें गिरती हुई भी नजर आई। वह तो दोस्तों भला हो शादाब खान का, जिन्होंने आकर इनिंग में जान डाल दी और 35 बॉल्स पर 48 रन की जबरदस्त किस्म की जारहाना बल्लेबाजी खेल डाली और दोस्तों मैच को इस सतह पर ले आए कि सिर्फ लास्ट ओवर में 6 बॉल्स पर 11 रन चाहिए थे। तो वहीं दोस्तों, लास्ट ओवर में एक ड्रामा भी देखने में आया, जहां फारूकी लास्ट ओवर में बॉलिंग करने आए तो अपनी पहली ही बॉल पर उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड पर शादाब खान को रन आउट कर दिया, जो शायकीन क्रिकेट को बिल्कुल भी पसंद ना आया और इसे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ करार दे रहे थे। मगर क्या कहा जाए, आउट आउट ही होता है। वैसे दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें वो भी बताइएगा। खैर दोस्तों, फिर बात करते हैं नसीम शाह की और फिर आमना सामना होता है नसीम वर्सेस फारूकी का। और दोस्तों, नसीम शाह आते ही एक चौका जड़ देते हैं और फिर इसी तरीके से लास्ट ओवर की सेकेंड लास्ट बॉल पर एक और चौका जड़ देते हैं और इस तरह पाकिस्तान को एक विकेट से जीत दिलवा देते हैं और अफगानिस्तान की ग्रिप से मैच निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और बात सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसी के साथ पाकिस्तान टीम वनडे में नंबर वन टीम भी बन गई है। और दोस्तों, तीसरा मैच भी अगर पाकिस्तान टीम जीत जाती है तो पाकिस्तान की नंबर वन पोजीशन भी मुस्तहकम हो जाएगी। तो दोस्तों, आप पाकिस्तान की इस जीत पर क्या कहते हैं और शादाब खान के रनआउट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए।